अनुजी मीडिया हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि उन्नाव का जो आज ये मामला सामने आया है, दलित की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसमें आप लापरवाही किसकी मानते हैं? देखिए, लापरवाही किसकी आप देखोगे, तीन लड़कियां मर गई है ना, दो लड़कियां मर गई, एक अभी हॉस्पिटल में है। जी तो घास काटने गई थी, अभी जो हम भी गांव में खुद गए हैं जी तो अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसका क्या है। अब हमारे लिए तो बस एक ही चीज है कि पुलिस को हरकत में आकर शुद्ध जांच करके और जल्द से जल्द जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो, ऐसा तो नहीं है कि गांव में लोगों को पता ना चला हो, इधर उधर अगर तहकीकात सही तरीके से करेंगे तो पता लग ही जाएगा। अभी असल में बॉडी जो है पोस्टमार्टम होके अभी आ रही है जी। और जो एक लड़की है वो वहाँ रीजेंसी में अभी मतलब काफी क्रिटिकल कंडीशन में है जी। तो बस भगवान से अभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वो वाली लड़की बच जाती है तो सारा मामला खुलासा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी तो पुलिस के ऊपर निर्भर है कि वो जल्द से जल्द करें। तो आप भी बात करके आए हैं, कप्तान भी थे, आईजी भी थे, वहाँ डीएम भी है, सब लोग हैं, लेकिन वही है कि शुद्ध जांच हो जाए तो सब पता लग जाएगा। लेकिन आप अनुजी जानते हो कि पूरे यूपी में जिस तरीके से चल रहा है जी, जो अभी तक का रहा है कि पता चला जो मुजरिम है उसको पनाह दी जाती है और जो मतलब एक बेगुनाह है उनको पकड़ लिया जाता है। तो बस यही हम लोग उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप उन शिवों को पकड़े, न्याय दिलाएं। अभी तो कल रात की घटना है जी। जी अभी इस मामले में जो सफीपुर से विधायक हैं बीजेपी के बम्बालाल सिंह विद्यवाकर जी, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन वो तो बोलने को जो सत्ताधारी पार्टी के लोगों तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं कि इस मामले में हमें क्या बात करनी, बाद में बात करेंगे। तो ये रवैया जो है सत्ताधारी पार्टी का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, अभी तो हम जितने जो पुलिस है और जो डीएम है उनसे जो बात हुई है तो हम उम्मीद से लगाए बैठे हैं, वो भी इंसान है, वो भी एक समझ रहे हैं इस घटना को, इसकी अहमियत को, इसकी जो दर्दनाक स्थिति है वहाँ पर परिवार की। तो देखा जाए कि ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पर भाजपा की सरकार में ये रही है, जो आप रवैये से देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बेटियों के लिए तो सुरक्षा की बात दूर दूर तक इन लोगों को नहीं समझ में आती, इनकी कोई संवेदना ही नहीं है, उनके हृदय ही नहीं, ऐसा लगता है। आप मतलब अगर किसी के घर की तीन बेटियों के साथ ये हुआ है तो आप अगर खुद विधायक हो या आप सत्ताधर दल पार्टी हो, आपकी सरकार है, तो हम लोगों से ज्यादा तो आप लोगों का दायित्व बनता था कि आप पुलिस और डीएम से बोलें कि भाई जल्दी काम करो और इसका निकालो कौन है। लेकिन यहाँ तो उल्टी स्थिति नजर आ रही है, तो इसीलिए हम लोग वही है, विपक्ष के हैं तो हम लोग डटे हैं। और कल रात भर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे रहे और अभी भी नहीं गए हैं, हमारे जो विधायक वहां पर रह चुके हैं उदयराज जी, वो वहीं डटे बैठे हैं जब तक कि हम लोग ये आके और पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आ जाए, उसको उसको कहते हैं संस्कार अगर होगा तो दस संस्कार की पूरी मतलब परिवार राजी होना चाहिए, कोई जबरदस्ती कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, यही सब हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा ताकि शुद्ध जांच हो, तरीके से देखा जाए और फिर बताया जाए कि भाई कौन किसने किया, ऐसी हरकत कौन कर सकता है। बिल्कुल अनुजी, आपने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनके भी दिल है और उनके ऊपर सब भरोसा है, लेकिन अगर पिछले मामले देखे जाए जैसे कि हाथरस का मामला था तो उसमें तो प्रशासनिक अधिकारी खुद आरोपियों के पक्ष में खड़े थे। ऐसा है कि ये तो पूरे हमने तो कई बार बोला भी है कि कई जो रक्षक हैं वही अगर भक्षक बन जाए तो कहाँ जाएगी आम जनता, बिल्कुल है ना। लेकिन यहाँ पर हम उन्नाव की बात कर रहे हैं, जो उन्नाव में अभी हम लोग मिले, हम तो देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, हम तब हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, आपने बोला तो ये था कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अनुजी अगर हालात देखे जाए, स्थिति देखी जाए उत्तर प्रदेश की, तो क्राइम के मामले में महिला अपराध में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, तो इन हालातों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि पिछली सरकार की कोई भी घटना होती थी तो बीजेपी ताल ठोक कर 56 इंच का सीना दिखाकर बात करती थी, लेकिन अपने मामले में इनका सीना सिकुड़ा हुआ दिख रहा है अब। भाई इन्होंने क्या किया,
जो अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे, जी 1090 की आपकी चलाई थी सर्विस, है जी ना, उस सर्विस को आपने खत्म कर दिया। जी बेटी पढ़ाओ की बातें आप करते हो, जी लेकिन आपने बेटियों के लिए किया क्या? बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि हम राम राज्य लाएंगे, कहाँ राम के नाम को लेकर तो आप राजनीति करते हो। जी जब राम की भक्ति आप में नहीं है, आप राम का नाम इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हो, तो कहाँ से राम राज्य लाओगे? बिल्कुल आपके मन बिल्कुल, में तो वही शुरू में ही गलत हो गया ना, खोट हो गया। फिलहाल तो राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं की अब सुरक्षा पर चंदा ध्यान नहीं। या तो चंदा इकट्ठा करेंगे या वोट इकट्ठा करेंगे, राम के नाम पर आप अगर इस तरह की करोगे तो राम कभी ना कभी, तो ऐसा है हम लोग, क्या कहा जाता है कि कितनी अंधेर देर में ही है, है। बिल्कुल सही बात है। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। जी।